अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप वैकेंसी देख लीजिए, स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप देख सकते हैं। यहाँ पे सारे यहाँ पे स्टेट वाइज वैकेंसी दिया गया फ्रेंड्स, और यहाँ पे टोटल आपका देख सकते हैं कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एससी के लिए जो आपका टोटल ऑल स्टेट के लिए जो वैकेंसी है 25 वैकेंसी है, एसटी के लिए आपका 75 वैकेंसी है ऑल स्टेट के लिए, और ओबीसी के लिए जो आपका टोटल वैकेंसी है 211 वैकेंसी है, और ईवीएस का अगर बात कर लें ईडब्ल्यूएस के लिए तो आपका टोटल वैकेंसी यहाँ पे 76 है, और जनरल कैटेगरी का अगर बात करें यहाँ पे टोटल आपका वैकेंसी जो है 454 वैकेंसी है, और टोटल जो सारे कैटेगरी का मिला के अगर टोटल वैकेंसी का बात करें तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं यहाँ पे 841 वैकेंसी है, और इधर आपका देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन का भी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का भी अलग से वैकेंसी दिया गया है। अब चलिए बात करते हैं आपका कि एज लिमिट इसमें क्या है। देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका यहाँ पे एज लिखा गया है कि एज ऑन 1 फरवरी 2021 को आपका यहाँ पे मतलब 18 ईयर हो जाना चाहिए मिनिमम एज, यानी कि आपका जो एज है फ्रेंड्स आपका मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम आपका 25 साल होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं आपका आपका जो जन्म जो है 1996 के पहले नहीं होना चाहिए, यानी कि 2 फरवरी 1996 के पहले जन्म नहीं होना चाहिए, और एक चीज़ यहाँ पे देखिए और यहाँ पे 1 फरवरी 2003 के बाद भी आपका जन्म नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि आपका जो एज लिमिट है यानी कि 28 से 25 साल वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें एज रिलैक्सेशन भी वो भी आपको बताने वाले हैं। एक बार फिर से देख लीजिए आपका 2 फरवरी 1996 के पहले जन्मदिन नहीं होना चाहिए और 1 फरवरी 2003 के बाद फिर जन्मदिन आपका नहीं होना चाहिए, यानी कि उसके बीच में होना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर एज रिलैक्सेशन का। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स एज रिलैक्सेशन एससी एसटी के लिए यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन है आपका 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए आपका यहाँ 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, यानी कि आपका अप टू 28 ईयर्स का यहाँ पे दिया गया, मतलब 28 साल तक वाले आप अप्लाई कर सकते हैं अगर कोई ओबीसी कैटेगरी से हैं तो। और यहाँ पर जो पर्सन विथ जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए यहाँ पर 10 साल का दिया गया अगर वो जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो, ओबीसी से हैं तो उनका 13 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, और एससी एसटी से अगर कोई डिजेबल पर्सन है तो उनको 15 साल का वहाँ पे आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। अब यहाँ पे बात करें यहाँ पे एक सर्विसमैन के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम वो 50 ईयर्स तक का आपका यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल सकता है। और फ्रेंड्स एक चीज़ यहाँ पे और देख लीजिए कि यहाँ पे विडोज जो भी हैं और डाइवोर्स्ड वोमेन हैं यानी कि जो विधवा लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पे 10 साल का रिलैक्सेशन है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है आपका मिनिमम 10th पास है फ्रेंड्स इसमें, और इसका कोई भी एक्स्ट्रा इसमें मतलब क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया आपका। अगर 10th पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें एक ध्यान देने वाली बात फ्रेंड्स इसमें है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, यानी कि आपके पास अगर ग्रेजुएट है या फिर उससे ज़्यादा हायर क्वालिफिकेशन है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर क्लियरली मैंशन कर दिया गया है नोटिफिकेशन में कि द कैंडिडेट शुड बी अंडर ग्रेजुएट्स एज ऑन 1 फरवरी 2021, यानी कि आपका 1 फरवरी 2021 तक मतलब आपका अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी कि उसके इतना तक आपका ग्रेजुएट नहीं होनी चाहिए, यानी कि ग्रेजुएट और जो भी पोस्ट ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट्स हैं या फिर कोई भी मतलब उससे हायर क्वालिफिकेशन है तो वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ 10th पास और 12th पास वालों के लिए है। अब फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं यहाँ पे कि सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या है, यानी कि एग्जाम पैटर्न इसका क्या है, उसके बाद बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस का। चलिए देख लीजिए इसका एग्जाम पैटर्न का। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपका रीजनिंग आएगा, जनरल इंग्लिश इसमें पेपर रहेगा एक ठो, और एक पेपर आपका जनरल अवेयरनेस का रहेगा, और न्यूमेरिकल एबिलिटी का वाला पेपर रहेगा आपका, यानी कि एकदम SSC का जैसा ही पैटर्न आपका रहेगा इसमें। सिर्फ यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन और नंबर ऑफ मार्क्स इसमें थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। देख सकते हैं यहाँ पे रीजनिंग का आपका जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका रहेगा 30 रहेगा, जनरल इंग्लिश के लिए आपका 30 रहेगा, और जनरल अवेयरनेस के लिए यानी कि जीके जीएस जो भी करंट अफेयर उसमें आपका 30 रहेगा, और मैथ्स के लिए यहाँ पे आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, और आपका सब 1 मार्क्स का है, यानी कि 30 क्वेश्चन 30 नंबर, इसमें भी आपका 30 क्वेश्चन 30 नंबर, यानी कि 120 क्वेश्चन रहेगा और 120 मार्क्स का होगा एग्जाम, और आपका जो इसमें जो टोटल टाइम जो दिया जाएगा 1.5 आवर का दिया जाएगा, यानी कि आपका 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा इसमें। और फ्रेंड्स इसमें जो आपका पेपर जो होगा बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों रहेगा इसमें, और इसमें आपका जो नेगेटिव मार्किंग होगा वो 1/4 मार्क यानी कि 0.25 मार्क्स इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा।
अब फ्रेंड्स यहाँ पे अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस का, तो इसमें आपका जो सबसे पहले एक फर्स्ट एग्जाम जो होगा ऑनलाइन टेस्ट होगा 120 क्वेश्चन का, 120 मार्क्स का, और भी उसमें 90 मिनट का रहेगा टाइमिंग। वो एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका एक LPT टेस्ट होगा, जिसको बोलते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि आपका उसमें आपका बात करने का शैली को चेक किया जाएगा। वहाँ ये सिर्फ देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि LPT विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, यानी कि ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसमें आपका कोई कंडीशन नहीं है, ये सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको इसमें। लेकिन हाँ, इसमें भी आपको नंबर लाने जरूरी हैं, इसमें आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, नहीं तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये भी लिख दिया गया है कि जो अगर LPT क्वालिफाई नहीं करता है उसको सिलेक्शन में उसको काउंट नहीं किया जाएगा, यानी कि कंसीडर नहीं किया जाएगा उसको। फ्रेंड्स अगर बात करते हैं इसमें सैलरी का, तो आपका देख सकते हैं यहाँ पे जो पे स्केल आपका रहेगा स्टार्टिंग में, आपका स्टार्टिंग में जो बेसिक पे रहेगा 10,940 रहेगा पर मंथ आपको मिलेगा, और इसमें आपको बहुत सारे अलाउंस मिलेगा, जैसे डियरनेस अलाउंस मिलेंगे, हाउस रेंट मिलेंगे, और सिटी कंपनसेंट्री अलाउंस मिलेगा, ग्रेड अलाउंस मिलेगा। और उसी तरह अगर आपका यहाँ पे जो टोटल ग्रॉस सैलरी जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रॉस इमोल्यूमेंट्स जो हैं आपका टोटल जो 26,508 रुपीज़ होते हैं, ये आपका टोटल ग्रॉस सैलरी होती है, कितना मिलेगा आपको। प्लस में देखिए आपको अलग से और क्या गवर्नमेंट तरफ से मिलेगी, पर साइट्स क्या क्या मिलेंगे आपको, यहाँ पे देख सकते हैं कि रहने का आपको वहाँ पे मिल जाएगा, एकोमोडेशन का मिल जाएगा RBI की तरफ से, मेडिकल आपका वहाँ पे खर्चा मिल जाएगा मेडिकल का अलग से, उसके बाद कुछ एजुकेशनल एक्सपेंसेस मिल सकते हैं आपको, और भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं इसमें, आपको बहुत सारे इसमें परक्यूसाइट्स मिल सकते हैं। तो चलिए, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में।